प्रॉपर्टी में कोई नहीं, अबैंडन है अभी। और ये घर है ना भाई साहब, मुझे लगता है भूतिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम द लैंड ऑफ सनराइज। एंड अभी मैं टोंग में हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में पता चला होगा आपको। कल का दिन बहुत ही बेकार था टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आज मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश हुआ रात भर एंड अभी भी थोड़ा थोड़ा ना बूंदाबांदी हो रहा है। और बहुत ही सुंदर व्यू है, देख सकते हो। अभी सुबह के 4:35 हो रहा है, तो 4:30 बजे ही यहाँ पे देखो उजाला हो चुका है। कुछ ऐसे नज़ारे, टेंट हमने यहाँ लगाया था, ये मेरा टेंट, ये इधर गुंजन। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द लैंड ऑफ सनराइज, लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लेकिन थोड़ा बदला गया क्योंकि बारिश हो चुका है। अभी तो सनराइज कहाँ होगा, नहीं होगा। तो हम अभी यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे पास ही में हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे जाएंगे। हालांकि बहुत ही बढ़िया सुंदर एक जगह है, लेकिन कल रात हमारे साथ उलट पुलट हुआ, अभी डिटेल्स बताएगा। अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी ये टेंट वेंट पैक करना है। बारिश हुआ, टेंट वैसे गीला है। एंड ये घर था यहाँ पे, इस घर के बारे में स्टोरी बताऊँगा थोड़ी देर में। काफ़ी सुंदर ये वाली है, लेकिन सुंदर होने के बाद भी आपको क्या चीज़ हुआ वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। कुछ ऐसे बादल हो रहे हैं, इधर देख सकते हो इधर भी है बादल। तो या ऐसा है। A few moments later. So guys, अभी ना मुंह धो के फ्रेश हो गया हूँ एंड अभी यहाँ से निकलेंगे टेंट वेंट पैक करके। कल की कहानी बता दो, पहले जो हमारे साथ हुआ वो कहानी बता दो। हुआ तो बहुत सारी घटनाएं हैं कल। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम इस वैली में आए ना, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से ना अपना जो भी राशन वगैरह ले लेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। बट यहाँ पे है एक तो बहुत कम घर और शॉप भी नहीं था। तो एक शॉप, दो तीन शॉप पे पूछा, दो तीन शॉप था वो बंद था, एक जगह पे वो खुला था, उसमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह था। तो हमने मैगी लिया था नीचे से, तो मैगी बना के खाया। तो सबसे बेकार चीज़ पता है क्या हुआ कि हम ना इस वैली में दो तीन जगह पे पूछा हमने कि हम यहाँ टेंट लगा सकते, तो उन्होंने मना कर दिया। तो सोचा हम यहाँ के जो गांव बूढ़ा है जीबी, जो कि एक मुखिया होते हैं गांव के, हेड ऑफ दिस विलेज, वहाँ पे गए उनसे परमिशन लेने के लिए। कि हमने उनसे पूछा कि हम यहाँ टेंट लगा सकते, और हमने सोचा कुछ राशन वासन मिल जाएंगे तो हम उनको पे कर देंगे। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उन्होंने, हम टेंट लगा रहे थे उतने में इसने गुंजन ने पूछ लिया कि भाई यहाँ पे टेंट लगाने के चार्जेस है। तो हम तो शॉक रह गए। उन्होंने बोला हाँ तो आपको पे करना पड़ेगा। तो भाई उनका इतना लैंड है, इतना बड़ा एरिया है, एक गांव बूढ़ा होके वो हमसे मतलब पैसे चार्ज करे टेंट पिच करने का। अगर हाँ खाना वाना का होता तो अलग बात रहता, इतने खुले एरिया में भी टेंट पिच करने के लिए वो हमसे पैसे मांग रहे थे। तो हमें ये अच्छा नहीं लगा। तो हम वहाँ से आ गए, रात को अराउंड 7 बज रहा था, पूरा अंधेरा। यहाँ पे आपको पता ही है 5 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने एक ये प्रॉपर्टी देखा, ये पूरा प्रॉपर्टी में कोई नहीं, अबैंडन है अभी। तो यहाँ पे पानी था ये टैप, तो हमने सोचा यहाँ टेंट लगा लेते। ये कुछ ऐसा सराउंडिंग है इधर का, टोंग वैली का, देख सकते हो। और ये घर है ना भाई साहब, मुझे लगता भूतिया है। क्योंकि ना मैंने टेंट यहाँ पे लगाए थे पहले, टेंट यहाँ पे लगा के सो रहा था मैगी वैगी खा के ना, तो ये दूसरा इंसिडेंट है। तो ऐसा लग रहा था ये दरवाज़ा खोलने बंद होने का आवाज़ ही आ रहा था। तो एक दो बार ना मुझे लगा कि ये ऐसे ही मतलब हवा की वजह से है, बट 4-5 बार हो गया। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। फिर मैंने गुंजन को बुलाया, इसका टेंट यहाँ लगा हुआ था, तो इसने बोला इधर टेंट शिफ्ट कर ले। तो मैंने इधर टेंट शिफ्ट किया। उसके बाद भी ना ऐसी आवाज़ें आ रही थी 2-3 बार। उसके बाद भाई मैं शिफ्ट हो गया गुंजन के टेंट में, ये अपना टेंट में सामान वामान रख के शिफ्ट हो गया। स्कैरी है यार, मतलब ऐसे खुले एरिया में ना आप टेंट लगा के सोओगे तो आपको ऐसा फील हो। ये टेंट में सो रहे थे हम दोनों, बारिश हो रही थी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ना तो ना कोई जानवर आया हमारे टेंट में ना, पहले तो उसने सूंघा, उसके बाद ना मुंह ऐसे ऐसे करने लग गया। डर गए, मैंने इसको बुलाया, ये सो रहा था, गहरी नींद में था। तो मुझे लगा वो भालू है, तो अब पता नहीं वो भालू था या क्या क्या था, आई डोंट नो।
बट हमारे टेंट में रात को भालू आया था। क्या आया था? भालू। इसने बोला कि वो मिथुन है यहाँ का ना। जो जानवर थे जो भी था, हम तो बाहर नहीं निकले क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि भाई ऐसे बाहर निकलो कुछ हो जाए, तो इट्स बेटर कि हम अंदर ही रहे। और वो आधे घंटे तक घूम रहे थे सराउंडिंग में हमारे टेंट के आसपास ना, तो उसके बाद वो चले गए, फिर सो गए हम। अभी सुबह सुबह 4:40 हो गया, तो बहुत स्कैरी था यार कल का दिन ना, ख़राब एंड स्कैरी भी था। तो अभी हम ये टेंट वेंट पैक करके यहाँ से निकलेंगे। नीचे के ब्रिज क्रॉस करके आए थे ना, वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, तो देखते वहाँ पे बैठते आके क्या कहाँ जाते आपको पता चल जाएगा। बट दिस इज़ डोंग वैली गाइस, और आपको बता डोंग वैली के बारे में थोड़ा सा कि डोंग वैली में ना ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंडिया में यहीं पे सनराइज़ होता है। अभी तो वेदर ऐसा है कि सनराइज़ कहाँ देखे पता नहीं, आज तो देख नहीं पाएंगे इतना दूर आने के बाद। और पहला जो सनराइज़ है ना 1999 में देखा गया था यहाँ पे डोंग वैली में। तो आपको यहाँ से ना ट्रैक करके जाना पड़ता है ऊपर, जो कि परमिट तो नहीं, मतलब गाइड कंपलसरी है, गाइड लेके जाना पड़ता है। तो गाइड के चार्जेस है 500 रुपीज़ पर हेड, तो शायद मैं भी बार्गेनिंग करो तो कम हो जाए। और यहाँ पे काफ़ी सारे पाइन ट्रीज है, ये पाइन ट्रीज से घिरा हुआ एक वैली है डोंग वैली, तो बहुत सुंदर तो है, लेकिन यहाँ पे जो लोग है थोड़ा टेढ़े काइंड ऑफ हैं, मतलब इतने काइंड नहीं मिले हमें। इससे पहले हमारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ जितने भी गांव में रुके, जितने भी लोग मिले। तो अभी चलते हैं यहाँ से, फटाफट पैक करते। A few moments later. So guys, done with the packing. ये हमने पैक कर लिया अपना बैग वैग, और ये हमारा घर था यहाँ पे। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस गाइज, बोथ ऑफ यू। वो मालिक इधर है, देखो हड्डी खा रहा है इधर ना, ये मालिक है हमारा। लॉन्ग वैली को बाय बाय करके, है तो सुंदर जगह, बहुत सुंदर है यार, बहुत पीसफुल है ना, क्वाइट एंड पीसफुल। हम तो बेस्ट समय में, एकदम बेस्ट समय में आए थे, जिस समय पूरा बढ़िया से सनराइज देख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट समय में भी ऐसा बारिश हो गया, कुछ आता पता नहीं। तो बहुत से लोगों ने, जो लोकल थे उन्होंने भी बताया तुम बहुत ही सही बढ़िया समय पे आए हो सनराइज देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई और मौसम भी ऐसा ही है, बादल हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, निकलते हम। गाइस निकल गए ना इधर से, यहाँ पे एक ब्रिज है क्रॉस करना है उसको, वो भी दिखाऊंगा आपको, कल दिखा नहीं पाया लास्ट वीडियो में, वो भी दिखाते हैं आपको। ओ बहुत सुनसान है, भूतिया जगह है इसको, घोस्ट लैंड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत कम घर है, सिर्फ 4 लोगों से इंट्रैक्शन हुआ, वो भी कुछ पूछने के लिए और कुछ नहीं, उसके बाद से कुछ नहीं। सुबह एक भी बंदा पर नहीं मार रहा, इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक डॉग आया ये हमें गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, ये देखो वैली यार, बहुत ही भूतिया जगह है, एक भाई बात है रहा। हाँ हम आप सोचेंगे कि क्या बोल रहे इतना बढ़िया, लेकिन आप जब आओगे ना अकेले आओगे ना, सच में यार डरा देगा, अकेले टेंट वेंट लगाओगे सही में, यहाँ पे अकेले अकेले आपको ऐसा लगेगा कि भाई भूत रहते हैं यहाँ पे, इंसान नहीं रहते। एक तो घर यहाँ, एक यहाँ है तो एक दूसरे दुनिया में है ऐसा लगता है, बहुत दूर दूर है, आसपास भी नहीं है घर। और ये पता नहीं कुछ बना हुआ, ये शीशे वीशे तोड़ रखा है, पता नहीं घर है या क्या है। और ये देखो गाइस पूरा ये लोहित रिवर है, ये ब्रिज को ना क्रॉस करके जाना है हमको, और उधर पे ना हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे ना हॉट स्प्रिंग है, वहीं पे जाएंगे। ये देखो गाइस आगे ब्रिज पे बढ़िया हो रहा है, देखो वेदर, A few moments later. तो दोस्तों हम पहुंच गए ये हॉट स्प्रिंग, यहाँ पे ये गेट बना काउंटर, टिकट काउंटर है, ये कुछ ऐसा है माहौल। और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के चार्जेस है, एंट्री फी है 10 रुपये, बाथिंग है 20 रुपये, पिकनिक के लिए 300 रुपये है, टेंट 200, एंगलिंग 50, बॉनफायर 200, और बाथिंग टाइम जो है वो 15 मिनट्स है, उसके 20 रुपये चार्जेस लगते है, तो कुछ ऐसा है ये है। और ये जो टीन दिख रहा है ये हॉट स्प्रिंग इसके अंदर, और इधर भी नीचे थोड़ा थोड़ा पानी का फ्लो है ना, गर्म पानी आता है।
ये जो पानी है ना, ये गर्म है पानी, छू के बताता हूँ आपको। है कि नहीं गर्म भाई? ये गर्म पानी है, वाकई में बहुत गर्म है पानी, है ना। वो पानी आ रहा है उधर से, कहाँ से आ रहा है ऊपर, गर्म है पानी, साफ भी है। तो कुछ ऐसा है इधर का एरिया, यहाँ पे एक रिजॉर्ट बना हुआ है, यहाँ पे उधर कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हो उस साइड में, कुछ ऐसा है। ये देखो, तो ये हॉट स्प्रिंग है, पानी देखो स्टीम निकल रहा है ना इधर से, स्टीम निकल रहा है, गर्म है पानी देखो। यहाँ पे ना एक कोट लिखा हुआ है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और यहीं से पानी निकल रहा है। और यहाँ पे मंदिर भी है माता जी का, तो जय माता दी। और ये पानी देखो कितना साफ है, आपको दिख रहा है? ये देखो गर्म है ये पानी, साफ है एकदम, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है नीचे। तो गाइज बहुत ना अजीब सा लग रहा है, तो हम नहाए भी नहीं, दिखा दिया आप लोगों को ऐसा है यहाँ पे। क्या कोई लोग भी नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है यहाँ पे ना, एक तो सनराइज भी देख नहीं पाए। ये हॉट स्प्रिंग आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते। A few moments later. तो गाइज अभी ना हम मेन रोड पे आ गए नीचे से, ये मेन रोड है, इधर से जाएगा डोंग, डोंग डोंग करने के लिए। नीचे हॉट स्प्रिंग ब्रिज है, उधर डोंग वैली है, उधर से सनराइज भी होगा। तो ये रोड है, इधर से जाएगा काओ, इधर से हम वालोंग होते हुए तेजू जा सकते हैं इधर बैठे हुए। तो अभी देखते हैं कि गाड़ी इधर से आएगा तो उधर जाएंगे, उधर से आएगा तो उधर जाएंगे, ठीक है। Two hours later. तो गाइज 3 घंटे वेट करने के बाद ना एक गाड़ी मिली, तो वहाँ से फिर हम वालोंग तक आए, 6 किलोमीटर की लिफ्ट मिली। तो अभी हम वालोंग में हैं, यहाँ पे शॉप में कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा यार, अजीब है यार, क्या ही बोले यार। तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, ये लोहित रिवर, बढ़िया व्यू दिख रहा है। इधर बैग वैग रखा है, बैठा गुंजन इधर, और पानी ख़त्म हो गया था तो इस घर से हमने पानी ले लिया। यहाँ से चाय बन गया अपना, गुंजन दादा चाय बनाया हमारा। सो गाइज अभी हमें गाड़ी तो मिला नहीं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, एंड चाय वाय बना के हमने पी लिया। यहाँ पे बैग रखा हुआ है, और ये भाई है इसी गांव से, तो बोर हो रहे थे तो भाई का बाल काट रहे हैं गुंजन, देखो मस्त वाला कटिंग हो रहा है, भाई के बाल काफ़ी लंबे हो रहे थे ना, अब तो भाई हीरो, इधर देखो, अरे हीरो बन जाएगा अब तो भाई पूरा। और इस व्यू के साथ आप यहाँ पे देख रहे हो, बाल कटिंग कभी करा है आपने? देखो आगे लोहित रिवर और यहाँ पे हेयर कटिंग, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये भैया है यहीं से, क्या नाम है भैया आपका? और आपका? जाकेन, जाकेन चिक्रो। तो ये मिसमी ट्राइब से है, कैसा लग रहा है आपको हम यहाँ पे आए? अच्छा लगा आप लोग को मिलके, बातचीत करके। तो वही हम लोग के लिए भी अच्छा है, हमने जो हमारा एरिया को जो है एक्सप्लोर करता है, दुनिया को दिखाता है, ऐसा कि जो मतलब हम लोग का जो लास्ट बस्ती ही बोले, तो यहाँ से कौन से फास्ट विलेज पोर्टल है, चाइना पोर्टल, चाइना से लास्ट बस्ती तो तवांग ना कहीं कहीं साइड में है। अच्छा, अच्छा लगा आप उसे मिलकर। थैंक यू, थैंक यू। और इन्होंने ना, ये जो इनका ट्राइब है मिसमी, ये उनका बैग है, तो ये ट्रेडिशनल बैग है, या है मतलब हाथ से बनाया गया है ना? हाँ हाँ, हाथ से बनाया। हाँ, तो ये बहुत कलरफुल एंड बहुत प्यारा लग रहा है, सुंदर से बनाता है। हाँ, तो ये लेडीज ही बनाते हैं, लेडीज ही बनाता है इसको, कोई लड़का तो नहीं बनाता। और इनका ना ये कॉइन है, तो ये ट्रेडिशनल कॉइन है, इससे ये स्ट्रैप बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ हाफ रूपी इंडिया 1944 का ये कॉइन है, जी जी 45-42 बहुत पुराना पुराना कॉइन है। तो ये कोई मतलब करेंसी नहीं है, बट यहाँ का ट्रेडिशनल ये कॉइन है, इसके इससे स्ट्रैप बना हुआ है। और ये बता रहे कि शादी वगैरह में भी चलता है ना, जैसे हम दामाद को देते हैं। अच्छा, बना के कभी ये चीज जो है दाव में भी लगता है, दाव में भी लगता है, देखता हूँ मैं भी कैसा लगता हूँ। तो ये देखो ये बैग है, और इसमें स्ट्रैप है, पूरा कॉइन लगा हुआ है, काफ़ी ये पुराना कॉइन है ना।
मिसमी लग रहा हूँ मैं भी। आपके दाढ़ी नहीं होता तो आप मिसमी लगते है ना। वहाँ दाढ़ी से काट के आना पड़ेगा। बहुत प्यारा बैग है यार ये। और ये कितना कॉस्ट होता है इसका? इसका खाली इनका बैग का आपका 2000-3000 कुछ होता है। अच्छा, ये जो हाँ, बैग का ये तो थोड़ा कॉस्टली वाला बैग है आपका। 4000 तक पड़ेगा इसका। अच्छा, ये मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 4-5000 का बैग है सिर्फ बैग। और स्ट्रैप कितने का होता है ये? इसका तो कितना स्टेप, दो स्टेप ही होता है इसका। ये स्ट्रैप कॉस्टली होता होगा ना? इसका तो दाम है, इसका कॉस्टली है। कितना होता है मिनिमम? मिनिमम 400 कुछ से स्टार्ट है एक पाल कॉइन का। एक कॉइन? हाँ, 450। जो बड़ा वाला तो 700 कुछ होगा। ओके, जो हाँ, ये कॉइन है ना, ये 450 रुपीज़ का पर कॉइन होता है। तो आप इसमें इतने सारे कॉइन लगे हो, खोल के दिखा दो, देख सकते हो इतने कॉइन में आप अंदाजा लगा लो कितने होगा। आई थिंक मोर देन 10,000 का होगा ना। हाँ, वो बहुत प्यारा बैग है यार, ऐसे पहन के जाएगा। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ऐसे बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं। हमें भी अच्छा लगा यहाँ पे आके ना, कि इतना दूर आए, इतना नेचुरल चीजें मिल रहा है यहाँ पे, तो सही है। थैंक यू भैया, आपको भी थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेट, eternity later. तो दोस्तों हम पहुंच गए हल्ला विलेज। अभी नीचे मेन रोड पे है। जिस गाड़ी में आए थे हमने यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर दिया ना, तो ये बोर्ड लगा हुआ है उस साइड से दिखेगा। तो यहाँ पे ना देखो आग लग गया है इस वाले पहाड़ पे, तो पूरा धुआं धुआं हो रहा है। तो यहाँ से वॉलोंग तक इसका धुआं जा रहा था, तो हमें लगा था पता नहीं कहाँ से धुआं आ रहा है इस वाले पहाड़ी पे। याकसोंग विलेज के पास में ना ये लगा हुआ है। तो इस रास्ते से हमें जाना है 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे। एक भैया उन्होंने इनविटेशन दिया था यहाँ पे आने के लिए। अभी चलते देखते क्या हो रहा है विलेज में। A few moments later. Guys, finally we reached हल्ला विलेज। वो भाई थे ना जाकिन भाई, उन्होंने बुलाया था। इस विलेज में भी कुछ फंक्शन है, पूजा वगैरह, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। कुछ ऐसा सराउंडिंग्स है, अभी शाम के टाइम हो रहा है ना, ये इनका घर है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वो आपको जो भी फंक्शन वगैरह होगा वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो तब तक बाय बाय फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। पीस आउट।